दोस्तों, आज होम लोन देने के लिए बहुत ही प्राइवेट और सरकारी बैंकें मौजूद हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी मौजूद है। लेकिन जब बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की आती है तो कंपनियों से होम लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लगभग हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जटिल प्रोसेस और दस्तावेजों की मांग के कारण बहुत से लोग परेशान होते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में जो आपको बिना इनकम डॉक्यूमेंट के सिर्फ 5 दिनों में होम लोन सैंक्शन करने का दावा करती है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी है और होम लोन देने की इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम न केवल इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कुछ खास फीचर्स की बात करेंगे, बल्कि होम लोन में लगने वाले डॉक्यूमेंट, ब्याज, चार्जेस के साथ ही साथ यहाँ से होम लोन लेने की प्रोसेस की भी बात करेंगे और वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि आप इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कैसे होम लोन ले सकते हैं और होम लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन लेने की बात करें तो आज इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिना इनकम डॉक्यूमेंट के सिर्फ 5 दिनों में होम लोन सैंक्शन करने का दावा कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के होम लोन प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है और अपने विभिन्न होम लोन प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को लोन उपलब्ध करा रही है। इन्हीं होम लोन में से एक है इंडिया शेल्टर होम लोन। दोस्तों, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंडिया शेल्टर होम लोन की कुछ खासियतों की बात की जाए तो बिना इनकम डॉक्यूमेंट के सिर्फ 5 दिनों में होम लोन सैंक्शन करने का दावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा सामान्य आय परिवारों को 5 लाख से 50 लाख तक का होम लोन भी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के होम लोन प्रोडक्ट की बड़ी विशेषता है। दोस्तों, बात की जाए कि आप यहां से किस किस काम के लिए होम लोन ले सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नया घर खरीदने, नया घर बनाने, प्लॉट खरीदने तथा उस पे मकान के निर्माण के लिए आप यहां से होम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप घर के विस्तार और होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी यहां से होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ब्याज और चार्जेस की बात की जाए तो इंडिया शेल्टर में हर जरूरत के होम लोन के लिए अलग अलग ब्याज निर्धारित कर रखा है। लेकिन यदि आप किसी भी तरह का होम लोन लेते हैं तो आपको 12% से लगाकर 20% तक का ब्याज यहां देना पड़ सकता है। दोस्तों, यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, सिबिल स्कोर और संपत्ति की वैल्यू के साथ ही साथ इंडिया शेल्टर के होम लोन देने के अपने नियमों पर भी निर्धारित होता है और इसमें समय समय पर बदलाव भी संभव है। चार्जेस की बात करें तो यहां आपके द्वारा लिए जा रहे होम लोन का 3% तक का प्रक्रिया शुल्क देना होता है। इसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस भी आपको यहां चुकाने पड़ सकते हैं। तो होम लोन लेने के पूर्व आपको चार्जेस की जानकारी जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किससे होम लोन उपलब्ध करा सकती है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति इंडिया शेल्टर की पॉलिसी के अनुसार होम लोन लेने के लिए योग्य है उसे यहां से आसानी से होम लोन मिल सकता है। रही बात प्रोफाइल की, तो यदि आप किसी भी तरीके के जॉब में हैं या बिजनेस से जुड़े हैं तो आप यहां से होम लोन ले सकते हैं। इंडिया शेल्टर से होम लोन लेने के दस्तावेजों की बात की जाए तो यहाँ आपको होम लोन लेने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेज लगते हैं। इन दस्तावेजों में आपके KYC, थोड़े बहुत इनकम डॉक्यूमेंट और संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट शामिल है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट के संबंध में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से होम लोन लेने के डॉक्यूमेंट हर प्रोफाइल, इनकम और संपत्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट तरीके से दस्तावेजों की जानकारी दी है। लेकिन यदि आपको डिटेल में इन दस्तावेजों की जानकारी चाहिए तो आप इंडिया शेल्टर होम लोन लिखकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया शेल्टर होम लोन की खासियत, ब्याज और चार्जेस के साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की जानकारी के बाद अब बात करते हैं आप यहाँ से होम लोन लेने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया शेल्टर में होम लोन आवेदन करने का तरीका बहुत ही आसान है।
आज देश के लगभग हर शहर में इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शाखा मौजूद है। आप सीधे इंडिया शेल्टर की किसी भी ब्रांच में जाकर होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800-572-8888 पर कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा आप सीधे ऑनलाइन भी यहाँ होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए आवेदन की डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, सभी जानकारियां मिलने के बाद यदि आप इंडिया शेल्टर से होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहली, इस वीडियो में मैंने आपको ब्याज चार्जेस और योग्यता के बारे में बताया है, तो ध्यान रखें होम लोन देने का निर्णय पूर्णतः इंडिया शेल्टर का अधिकार है। वो आपकी प्रोफाइल, सिविल स्कोर और संपत्ति के आकलन के आधार पर होम लोन स्वीकृत करती है, और इन्हीं आधारों पर ब्याज का निर्धारण भी होता है। तो जब भी होम लोन के लिए आवेदन करें, ब्याज और चार्जेस और अन्य चीजों की पुष्टि करना आपके लिए जरूरी है। दूसरी जरूरी बात, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आसान भाषा में समझाने के उद्देश्य से दी है, और ये सभी जानकारियां इंडिया शेल्टर की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, और इंडिया शेल्टर इसमें समय समय पर बदलाव कर सकती है। इसलिए यदि आप ये जानकारी वीडियो के पब्लिश होने के कई दिनों बाद देख रहे हैं तो सभी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लेना आपके लिए जरूरी है। तीसरी और आखिरी जरूरी बात, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी या उनके होम लोन प्रोडक्ट का प्रचार या प्रसार नहीं करते, और ना ही इंडिया शेल्टर ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। इसलिए किसी भी तरह का शुल्क देने से पहले या होम लोन आवेदन करने से पहले अपने विवेक से निर्णय लें। तो दोस्तों, ये थी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के होम लोन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही और ज्यादा जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। इसके अलावा यदि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी इंडिया शेल्टर से होम लोन लेने का सोच रहा है तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। इंडिया शेल्टर होम लोन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आखिरी में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।